Okay, 2-star, yeah. Salman Khan was nice and even the songs were nice, but just okay movie. Teaser bhi aaya hai, Zero ka, is film ke saath mein. Yeah, that was nice. Nice? Yeah, yeah, that was very nice. Hoping to, it's better than this movie. I had a lot of expectations with Race 3, but very sad, only 2 stars. Yeah, too much. Yes. All are good. Sequence, the fight sequence were nice. But the story as such, thoda slow laga. But okay, 2 stars. Two. Disappointed. Jaisa expectation thi, waisa kuch bhi nahi hai isme. Salman Khan brand only, nothing else. And Zero ka teaser bhi aaya hai is film ke saath mein, wo kaisa tha? कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज एंड बोरिंग. कितना कोई गाना पसंद है आपको? एक ही गाना, सेल्फिश. कितने साल हुए? 2. कैसी लगी आपको फिल्म रेस थी? अच्छी लगी, लोकेशंस अच्छे थे, गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी, सबकी एक्टिंग भी अच्छी थी. सलमान खान इज ऑलवेज गुड, लाइक I love to watch his movies. Thank you. ठीक है, अच्छी लगी मुझे. जी हाँ, उसका काम अच्छा है. फिल्म के साथ में रेस जीरो का टीजर भी आया है. जीरो का टीजर भी ले रहा है. हाँ, वो स्टार्टिंग में दिखाया था. हाँ देखा. हाँ अच्छा है वो, एकदम टाइनी लग रहा है बहुत एकदम. इसके सम्मान क्या रहा, बहुत सारे एक्टर इस फिल्म में, बॉबी देओल, जैकी डेजी. अच्छी सबके पिक्चर, अच्छे रोल गए, रोल अच्छे किए सब, अच्छी पिक्चर चलेगी. और फिल्म का डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, कितना बांध कर रखा आप लोग को, कितना अच्छा लगा डायरेक्शन? ठीक है, ओके. कोई गाना पसंद आया मैडम आपको इस फिल्म का? एक्चुअली वो बहुत रजिस्टर्ड नहीं हुआ गाना, लेकिन थैंक यू वेरी मच. कितने स्टार देंगे आप? 4. आप कितने? आई विल गिव 4. तो कैसे लगी आपको फिल्म रेस? फिल्म तो बहुत अच्छी थी और कैरेक्टर्स अच्छे थे. और अभी जैसे सलमान खान की मूवी आई है और ये सुपर डुपर गई है ये बार, और नेक्स्ट टाइम अभी Race 4 अभी आने वाली, शायद से उसने बोला कि अभी नेक्स्ट 4 अरे आने वाली है. अब उस पर डिपेंड है. अभी न्यू ये मूवी अच्छी लगी थोड़ी, अभी नेक्स्ट मूवी के लिए हम लोग वो कर रहे हैं. ओके, सलमान खान आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे. बहुत अच्छे आपको? मुझे भी बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. कैसी लगी सलमान खान की? बहुत अच्छी मूवी और उसकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी. ओके. एंड डेजी शाह, अनिल कपूर, बॉबी देओल, बहुत सारे लोग हैं इसमें. हाँ, सब कैरेक्टर सब अच्छे लगे. सब ये वाले कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं. आप बताइए. एक्सीलेंट. अच्छे लगे. और कोई गाना पसंद आया आप लोग को इस फिल्म में? सब साथ में गाएंगे एक गाना. ओके, सब साथ में गाएंगे. अच्छा, रिकॉर्ड करो ना. सब साथ में एक गाना जो आप लोगों को पसंद है. कौन सा गाना? कौन सा गाना? अल्लाह तू आई, अल्लाह तू आई है, बेजा तू आई है, वो तेरे प्यार में. कितने स्टार देंगे आप लोग 5 में से? 5 out of 5. It was good. Amazing. Like Salman Khan. Yeah, I love. Lots of actors in the movie. Jacqueline. Yeah, I loved everyone. You like Jacqueline and Daisy Fine? I loved everyone. Everyone. Okay. Yeah. Do you like any song in the movie? All songs. Yeah. कैसे लगी आपको फिल्म रेस? यार बहुत amazing थी, मजा आ गया देख के. Okay. And Zero का भी teaser आया इस फिल्म. यार देखा मैंने. बहुत फाड़ था वो. शाहरुख खान जो आते हैं वो अदाव करते हैं, बहुत फाड़ था. सलमान खान की एक्टिंग कैसी लगी? यार मुझे बहुत पसंद है सलमान भाई और बहुत ही अच्छे लगे, मैं हर मूवी देखता हूँ उनकी. जैकलीन और डेजी की फाइट अच्छी लगी आपको? यार डेजी का वो सीन बहुत, स्कर्ट को ऐसे नाइफ से, वो बहुत फाड़ था. फाइटिंग सीन जो करा उन्होंने, एक्शन सीन करा, बहुत फाड़ था. इसके अलावा अनिल कपूर? यार वो तो है ही फेवरेट, दिन दिन था. हाँ वो तो है ही. कोई गाना पसंद है आपको? यार गाना तो सारे ही अच्छे हैं गाने. सेल्फिश बहुत अच्छा पसंद, मेरे को बहुत अच्छा लगा. रेमो का डायरेक्शन कैसा लगा? कितना बांध कर रखा? रेमो सर तो फेवरेट है मेरे, मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, अभी रिसेंटली इसमें भी किया है, सारे कोरियोग्राफी मैं भी था उस गानों में. तो अपने आप को देख के कितना खुश हुआ आप? यार मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत मजा आया, एंजॉय किया मैंने. कितना देंगे आप? 5.
दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम सागर सलमान पांडे है और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखता हूं सलमान सर की हर फिल्म। और जिस दिन फिल्म रिलीज होती है उस दिन रात भर सोता नहीं, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को बुलाना रहता है। कम से कम हम 20-25 लोग फिल्म देखने के लिए आते हैं। और फिल्म में सर मैं आपको बता दूं, फिल्म स्टार्ट होती है फर्स्ट सीन से पिक्चर ग्रिप में आ जाती है और ऐसा घुसा पड़ता है मुँह पे, ऐसा लगता है क्या हो गया। तो पिक्चर में स्टार्टिंग मसाला वहीं शुरू होता है, सलमान सर की एंट्री होती है, पब्लिक सीटियाँ तालियाँ बजाती है और पिक्चर में जो स्क्रिप्ट है वो रुला भी देती है, हंसा भी देती है और हंडिया भी भेज देती है। तो पिक्चर में अपने आप में एक बहुत बड़ा मसाला है और पिक्चर में फाइट बहुत ज़बरदस्त है, पिक्चर में तोड़फोड़ बहुत ज़बरदस्त है। ऑल ओवर में कहेंगे ये पिक्चर हिंदी फिल्म नहीं है, बॉलीवुड भी नहीं है, हॉलीवुड पिक्चर है। रेमो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने और इसको देखिए दिल भर के थिएटर में। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई देव मेरा पूरा नाम है राजू रही कुमार और मैं 24 साल से शाहरुख साहब का लुक लाइक हूँ। और जीरो टीजर में वो डायलॉग्स है ना, हम जिसके पीछे लग जाते लाइफ बदल देते हैं। तो शाहरुख साहब तो सलमान साहब की गोद में आ गए थे राइट, ये ऑलरेडी मेरे से गोद में है, ये पहले से मेरे गोद में है, तो थोड़ा सा डिफरेंस। मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसी लगी रेस थ्री? रेस थ्री बहुत प्यारी पिक्चर है, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म कहेंगे आप इसको कि हिंदी फिल्म पहली बात तो बोल ही नहीं सकते। इसमें कास्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, खर्चा किया गया है पिक्चर में। और सलमान साहब का तो आपको शुरू से पता है कि अपने जितने भी को स्टार को सबको इक्वल रोल देते हैं वो और सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बॉबी देओल साहब का काम बहुत अच्छा है, अनिल कपूर साहब का काम अच्छा है, वो ग्रेसी सिंह लड़की उसका काम बहुत अच्छा है, ग्लैमर है, एक्शन है, इमोशनल है, सस्पेंस है, एवरीथिंग सारा मसाला है जो ईदी के दिन सलमान साहब ने जो लोगों को देना चाहिए वो मिला है सलमान साहब की तरफ से। अब पब्लिक जो सलमान साहब को ईदी देंगे, आप तो जानते हो कि 4-5 दिन के बाद में आंकड़े बढ़ते जाएंगे उसके, ये सलमान खान साहब। नहीं, वो सीन ये है कि सलमान सर ने शाहरुख सर को गोंद में उठाया है और मैंने इसको ऑलरेडी गोंद ले लिया है, तो ये ऑलरेडी इसको मैंने गोंद लिया हुआ है और गोंद ले लिया है। और जीरो भी बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है आई थिंक। और लोगों को बोलने लोगों को एक मैसेज है कि आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, शाहरुख सर ने बहुत अच्छा उसमें करके दिखाया है और पिक्चर भी बहुत अच्छी चलेगी आई थिंक। जब टीजर इतना फेमस हो रहा है तो फिल्म कहाँ जाएगी। और रेस थ्री के बारे में कह दूँ कि रेस थ्री को आप लोग देखिए, दिल से देखिए और थिएटर में आके देखिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सकता, क्योंकि पिक्चर थिएटर की पिक्चर है, टीवी की पिक्चर नहीं है दोस्तों। आज दोस्तों मेरा नाम है आयुष जडेजा और मैं बोलता हूँ रेस थ्री बहुत अच्छी लगी और हमेशा सलमान भाई ईद में कुछ नया ही देते हैं, तो ये टाइम भी ईद ही बहुत अच्छी दी है और बहुत टाइम के बाद बॉबी देओल जी को देखा, एक्शन बहुत प्यारी लगी, अच्छा लगा। आपको कैसी लगी? नंबर वन फिल्म है और मैं देखने आया था फ्रेडी को, हाँ मैंने उसका हॉलीडे देखी, तब से उसका बड़ा फ़ैन हूँ, पर इसको इंटरवल से पहले मेरे ख्याल से 1 मिनट का ही रोल दिया हुआ था तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि उसको कम रोल दिया है। बाकी सलमान भाई जिसमें होते हैं सबको इक्वल रोल देते, तो मैंने तो पिक्चर देखी, बहुत मज़ा आया और लोगों को बोलता हूँ कि आके फिल्म में पिक्चर देखे, थिएटर में देखे, सिनेमा में देखे। जीरो का टीजर एकदम बढ़िया है, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि शाहरुख और सलमान एक साथ एक मूवी में आ रहे और भयंकर कॉमेडी मूवी है। हम तो वेट कर रहे हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं पक्का हम सब। जीरो का बहुत अच्छा लगा और सलमान भाई और शाहरुख भाई तो जोड़ी एक नंबर है, तो जीरो बहुत अब जाएगा और बहुत कॉमिक अच्छा बताया कि उनके गोद में शाहरुख भाई आ जाते हैं, उनकी सलमान भाई की खुद एक्टिंग करता है बहुत अच्छा। ये हमारे ऑर्गेनाइजर साहब है और शाहरुख साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो हर शो में मुझे साथ भी रखते हो ये संजय भाई की बहुत खासियत है। सर सर फिल्म के बारे में बोल, फिल्म में इतना माइंड ब्लोइंग एक्शन है, एक्शन मास्टर को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा एक्शन किया, एक से बढ़ के एक। वो एक सलमान सर का एक एंट्री होता है, वो गाड़ी से टर्न करते जंप करते हैं गाड़ी लेके और नीचे से गाड़ी स्लिप करती है। सर इतना क्लीन एक्शन किया है और ये हॉलीवुड का एक्शन है, कोई हिंदी आदमी बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है उनके लिए बहुत सलूट है, बहुत कमाल का एक्शन है। बोलने की ज़रूरत नहीं, जहाँ सलमान साहब है वहाँ एक्शन तो होना ही चाहिए, मगर उसके तो काम हो नहीं सकता। और सलमान साहब तो शुरू से सबको प्रमोट करते आते हैं, तो पिक्चर में ईदी बहुत अच्छी मिली है, तो हमारे तरफ से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से सलमान भाई, शाहरुख भाई और आमिर भाई को ईद मुबारक,
गॉड ब्लेस यू, ऐसी फिल्में करते रहिए, हम लोग को एंटरटेन करते रहिए, ताकि वो जो स्टेज पे जो स्क्रीन पे करते पॉप स्क्रीन पे स्टेज पे हम लोगों को करने का मौका मिलता है। जैसे कि अभी जैसे जीरो आएंगी तो उसमें एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा शाहरुख और सलमान का, तो मुझे बोना बनना पड़ेगा और इसके गोद में आना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग स्टेज पर वो आइटम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ये वो मैं आपको बता दूँ कि उसके डायलॉग अभी जो लोगों के ज़ुबान पर हैं, मुझे रेस से बाहर करना चाहते हैं, उन बेवकूफ़ को नहीं पता इस रेस का सिकंदर मैं हूँ। और जो गाना है सर, इस जब थिएटर में बजता है तो मैं खुद स्टेज पर कुर्सी पर नाचने लगता हूँ, इन लोगों ने बैठा दिया, अरे बैठ जा बैठ जा। वो गाना है अल्लाह दुहाई है मुश्किल में आई है, मुश्किल में आई है ओ तेरे प्यार में अल्लाह दुहाई है। ये गाना सुपर डुपर हिट है, जब थिएटर में बजता है तो पब्लिक नाचने लगती है और धमाल होता है, और हम लोग तो धमाल करके आए हैं सर। अच्छा है उनका, जैकलीन का काम अच्छा है, बहुत अच्छा काम। दोनों को कंपेयर करें डेजी शाह और उसको, तो दोनों इक्वल है, फुल एक्शन फुल ग्लैमर देखने मिलेगा। सर आपको बता दूं कि डेजी शाह और जैकलीन दोनों लोगों ने जो फाइट किया है वो बहुत बहुत कम को मैंने देखा है, सिर्फ कैटरीना जी को देखा है मैंने फाइट करते हुए, लेकिन पहली बार देखा डेजी शाह और जैकलीन ने बहुत कमाल का फाइट किया है। वो ब्रेक फाइट ना इतना इजी नहीं है, और बहुत कमाल का उन लोगों ने काम किया है, दोनों लोगों का इक्वल रोल है और बहुत कमाल की एक्टिंग की है, तो दोनों लोगों के लिए सेम पॉइंट जाता है। स्टार को स्टार नहीं दिया जाता, स्टार को सिर्फ सल्यूट किया जाता है। थैंक यू सर। सर ये स्टार 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 के लिए नहीं होता, स्टार तो इतने ऊपर स्टार है कि सुपर से भी ऊपर है, तो उनके लिए कोई स्टार नहीं, स्टार से भी बहुत ऊपर है। पाँच टेन टू टेन स्टार 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 स्टार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रवि जी।